Hello, how are you? This is Rajesh Yadav and you are watching my YouTube channel English Today by Rajesh Sir. Friends, आज की वीडियो में हम let के प्रयोग को पढ़ेंगे, लेकिन वह अलग तरीके से. आज का जो यह टॉपिक होगा वह होगा let का प्रयोग टेंसेज और मॉडल ऑक्सिलरीज में, यानी मॉडल के साथ और टेंसेज में let का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे. आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा इम्परेटिव सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग कैसे किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर लेट का प्रयोग टेंसेस और मॉडल्स में किया जाएगा. उसको समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से किया जाएगा. कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के रूप में मैं यहाँ पर बताया हूँ, जिसको आप समझने का प्रयास करेंगे. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ लेट इन टेंसेस एंड मॉडल्स. मतलब लेट का प्रयोग ऐसे कर सकते हो टेंस में और मॉडल्स में लेट का प्रयोग. यह विशेष तरीके से है फ्रेंड्स, ध्यान देना. आपको मालूम ही होगा, आपने पहले वीडियो में जो पिछली वीडियो बनी हुई है उसमें आपने देखा ही है कि लेट का मतलब क्या होता है, देना. और लेट का मतलब आपको बताया गया था पिछली वीडियोज में कि परमिशन देने से है, ऑर्डर देने से है. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और परमिशन के रूप में भी आप लिख सकते हो. ठीक, इस चीज को आप जान लीजिएगा कि लेट यहाँ पर ऑर्डर और परमिशन देने के लिए यूज किया जा रहा है. तो देखिए, सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वैसे तो किसी भी टेंस में किया जा सकता है, जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. इसी तरह पास्ट, इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट में, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. लेकिन मैंने नॉर्मली तीनों के सिंपल टेंसेस अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में एक एक, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको बताने का प्रयास किया है. बाकी उसी हिसाब से सारे टेंसेस में प्रयोग कर दिए जाएंगे. देख लीजिए, लेट मीन्स होता है देना. मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि लेट का मतलब किसी वस्तु को देना नहीं होता है, परमिशन और ऑर्डर, आदेश देने के लिए लेट का प्रयोग किया जाता है. फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हैं, फिर लेट का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट सिंपल की बात चल रही है, फिर यहाँ पर एस, ई एस, आई ई एस का प्रयोग किया गया. फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, मेन वर्ब के साथ इतनी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, एस, ई एस और आई एस का प्रयोग किया जाता है. मैंने अपने टेंस वाले वीडियोज में जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध है बताया है, उसमें आप देख सकते हैं. फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर डिटर्मिनर, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स. यह पूरा ठीक है स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फ्रेंड्स. लेकिन यहाँ पर समझिएगा, मैंने यहाँ पर एस, ई एस और आई एस लगाया, तो आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं, आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम भी होगा कि एस, ई एस और आई एस का प्रयोग किसी भी नाउन के साथ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है. नाउन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें एस, ई एस, आई एस का प्रयोग किया जाता है. लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्लूरल, ठीक है, कह सकते हैं कि जितनी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं वह प्लूरल मानी जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन जब उनका हम प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले पार्ट में आपको ये चीज़ें मिलती हैं, जब उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाता है. इसलिए उन वर्ब्स को सिंगुलर बनाया जाता है. तो सिंगुलर बनाने के लिए फ्रेंड्स एस, ई एस और आई एस का प्रयोग जरूरत के हिसाब से, जैसा जिसका फॉर्मेशन होगा वहाँ पर हम सिंगुलर बनाने के लिए यानी एक वचन बनाने के लिए करते हैं. अगर बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो बहुवचन की वर्ब रहने देंगे, अर्थात एस, ई एस, आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे. देखिए यहाँ पे सेकेंड है सब्जेक्ट प्लस लेट. एक चीज मैं आपको बताया था फ्रेंड्स, ध्यान देना, लेट, 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 तीनों फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म जो होती हैं एक ही होती हैं. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेकेंड फॉर्म है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यह सेकेंड फॉर्म का है प्रयोग किया गया लेट का. ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिटर्मिनर, ऑब्जेक्ट, अदर्स,
यहाँ सब्जेक्ट विल सेल प्लस लेट फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब डिटर्मिनर ऑब्जेक्ट अदर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट मॉडल्स कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड मस्ट ought to dare used to need, ये जो जितने मॉडल्स हैं ये सारे आ गए इसमें फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ये सारे यहाँ पर मॉडल्स का प्रयोग कर दिया गया। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर डिटर्मिनर ऑब्जेक्ट और अदर्स का प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक एक एग्जांपल देखेंगे। मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, किसी भी सेंटेंस में चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, लेट का प्रयोग किसी में भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने एक एक सिंपल सेंटेंसेस का उदाहरण यहाँ पर बताया है। जैसे मैंने लिखा है सी लेट्स मी डू माई वर्क, ठीक है, सी लेट्स मी डू माई वर्क, सी मीन्स वर्क, लेट्स मीन देती है, मी मतलब मुझे, डू मीन्स करने, माई मीन्स मेरा, ठीक है, वर्क मीन्स काम, वह मुझे मेरा काम करने देती है, वह मुझे, ठीक है, मेरा काम करने देती है। एक चीज ध्यान देना फ्रेंड्स कि लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। यहाँ की जो वर्ब होगी ध्यान देना, ये वाली जो वर्ब देख रहे हैं यहाँ पर, यह है सिंगुलर, क्यों है मैंने अभी बताया कि क्योंकि यहाँ पे जो सी है यह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और यह फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लेट अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट जो होता है वह बहुवचन माना जाता है, यानी जितनी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती हैं वह प्लूरल नंबर में होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस आई एस का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर चूंकि टी आया लास्ट में, तो जिनके लास्ट में टी आता है वहाँ पर एस लगाया जाता है, तो यह सी लेट्स, ठीक है, मी यानी लेट्स एक ऐसी वर्ब है फ्रेंड्स, ध्यान देना। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वहां पर ऑब्जेक्ट आपको लिखना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए मी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और ये जो मी है ऑब्जेक्ट के रूप में, मैंने इसके बारे में चर्चा किया है पिछले वीडियो में कि मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन इसके सामने वाले जो जस्ट पहले इसके आ रही वर्ब वह इसी के द्वारा की जाएगी। देखिए वह मुझे मेरा काम करने देती है, तो करने तो यही करेगा, मुझे मुझे मतलब मैं करता हूं, तो यहां पर देखिए डू का प्रयोग यहां पर हम, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में किए हैं, तो वह मुझे मेरा काम करने देती है, तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है फ्रेंड्स। तो यहां पर लास्ट में आप भी जानते हैं ता ते, ठीक है, ती के साथ है हूँ आता है, क्लियर, देख लीजिए आता है, वह मुझे मेरा काम करने देती है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वह मुझे मेरा काम नहीं करने देती है, सी डज नॉट लेट मी डू माई वर्क, हो गया नेगेटिव। अगर यह प्लूरल होता, मान लीजिए बहुवचन में होता, तो जाएगा वे मुझे मेरा काम नहीं करने देते, तो यह कहेंगे दे डू नॉट लेट मी डू माई वर्क, या सिंपल होता या कहते हैं दे, ठीक है, लेट मी डू माई वर्क, वे मुझे मेरा काम करने देते हैं, वो तो नियम के आधार पे है, लेकिन बस आपको यूज देखना है यहाँ पर, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसी फॉर्मूले पे देख लीजिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेट लेट, इन तीनों में से एक लगा है, देख लीजिए यस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिटर्मिनर डिटर्मिनर, आपको बताया ही था जो नाउन से पहले आता है और उसके अर्थ को निर्धारित करता है वो डिटर्मिनर होता है, निर्धारक होता है, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर्स नहीं आया छोड़ देंगे। सेकंड देख लीजिए, आई लेट हिम वॉच टीवी डेली, ठीक है, मैं उसे प्रतिदिन टीवी देखने देता हूँ, तो अगर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मैं उसे प्रतिदिन टीवी देखने देता हूँ, तब भी ये सेंटेंस सही है, क्योंकि आई को वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में, तो ताते ती वाला ये भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लेट है मैंने सेकेंड फॉर्म के रूप में लिखा है, तो यह कैसे पता चलेगा कि सेकेंड फॉर्म है, जब आप इसका हिंदी, सामने वाला हिंदी के रूप में क्या बोल रहा है या आप हिंदी में क्या बोले, तीसरा है मैं प्रतिदिन उसे टीवी देखने देता था, ता था, देख लो लेट में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया लेट लेट लेट,
तीनों एक ही होती हैं, लेकिन आपके सेंस के अनुसार आप क्या बोल रहे हो, प्रेजेंट का सेंटेंस बोल रहे हो कि पास्ट का बोल रहे हो कि फ्यूचर का, वो आप पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर मैं प्रतिदिन उसे टीवी देखने देता था या टेलीविजन देखने देता था, तो यहाँ पर देता था तब भी देखो यहाँ पर मैंने लेट का प्रयोग किया। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, न डू डज का प्रयोग किया जाता है, न डिड का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह दोनों अफर्मेटिव हैं, और यहाँ पर भी तातेति आएगा, लेकिन यहाँ पर थातेति आ जाएगा, यहाँ पर भी ता आ सकता है, तातेति, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आएगा हैं, हो, हैं बिंदी वाला, यहाँ भी आ जाएगा था, यहाँ पे आ जाएगा थे, यहाँ पर आ जाएगी थी, या आ ए ई भी आता है। फ्रेंड्स मैंने उसे टीवी प्रतिदिन देखने दिया, ये भी सेंटेंस सही हो सकता है, होता है सही, ठीक है ना। तो ता ते ती के साथ था ते थी रहेगा, या आ ए ई डायरेक्ट आ जाए, जैसे मैं बाजार गया, तुमने कलम खरीदी, वे आए, हम गए, ऐसा सेंटेंस भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस के ही होते हैं। थर्ड देख लीजिए, राम विल लेट मी यूज हिज कार टुमारो, राम कल मुझे अपनी कार प्रयोग करने देगा। अब देखिए राम यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, नाउन के साथ विल का, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में फ्रेंड्स ठीक है सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। जब आई के साथ और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो नॉर्मली तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उनका प्रयोग कर लेते हैं, और मॉडल के रूप में अगर उनका यूज करते हैं तो उनका सेंस अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर तो विल का प्रयोग होगा ही, टेंसेस वाले पार्ट में है। तो राम विल लेट मी यूज हिज कार टुमारो, राम कल मुझे अपनी कार प्रयोग करने देगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर इसका निगेटिव बनाओगे तो जाएगा राम विल नॉट लेट मी यूज हिज कार टुमारो, इसका निगेटिव बनाओगे राम आई डिड नॉट लेट हिम वॉच टीवी डेली। आप चाहे जैसे सेंटेंस बना लो, लेट का प्रयोग ऐसे ही होगा, बाकी तो आप टेंस जानते ही हैं कि डू डज के साथ नॉट लग जाएगा, डिड के साथ नॉट लग जाएगा, विल सेल के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी लेट जहां है वो तो रहेगा ही। तो लेट का प्रयोग ध्यान देना ऑर्डर और परमिशन दिखाने के लिए किया जाएगा फ्रेंड्स, यह किसी भी मॉडल के साथ यूज कर दिया जा सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, अब हमने एक यहाँ पर और देखो लिखा हो ठीक है ना सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ फिर उसके बाद चौथा देखो यहाँ पे लिखा हूँ मॉडल्स, तो मॉडल्स के साथ कैसे होता है फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, देख लीजिए आई कैन लेट हिम प्ले क्रिकेट, देख लीजिए। अब यहाँ पे जो मॉडल देख रहे हैं आप ए वाला, मैंने बोला अभी कैन कुड मे माइट सेल शुड ऑट टू नीड देयर यूज्ड टू मस्ट, जितने भी हैं जो भी आपके मॉडल्स हैं यहाँ पे यूज होंगे, तो सबके लिए एक ही फार्मूला लागू हो जाएगा, ये वाला जो फार्मूला देख रहे हैं ना सबके लिए लागू हो जाएगा। तो आई कैन लेट हिम प्ले क्रिकेट, मैं उसे क्रिकेट खेलने दे सकता हूँ, ठीक है ना, मुझे उसे बाजार जाने देना चाहिए, राम को ठीक है सीता को गीत गाने देना चाहिए, तुम उसे जाने दे सकते थे, ऐसे सेंटेंसेस खूब यूज कर सकते हो। आपको कन्फ्यूजन नहीं लाना है, केवल आपको इतना ध्यान देना है कि आई यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल, देख लें सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, जितने भी मैंने बोला जो भी मॉडल्स होते हैं आपके, मॉडल के बाद दुनिया जानती है कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में लेट आया हुआ है, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके साथ वी और हैव, वहाँ पे हैव लगा रहता है तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है मॉडल वाले पार्ट में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेन वर्ब डिटरमिनेंट बाकी चीज वही है। तो फ्रेंड्स आप इतना अगर नेगेटिव आता है तो आई कैन नॉट लेट हिम प्ले क्रिकेट, मैं उसे क्रिकेट नहीं खेलने दे सकता हूँ, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पे कैन के जगह कुड, जितने भी मॉडल आपका यूज कर सकते हो यहाँ पे नॉट लगा दोगे।
तो फ्रेंड्स लेट का अगर आपको ट्रांसलेशन मिलता है, कहीं भी लेट का ट्रांसलेशन मिलता है और ऐसे पूछे, तो आप बिल्कुल भी अपने मन में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं लाना है। आपको इतना ध्यान देना है कि ऐसे सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग केवल ऑर्डर और परमिशन दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। आई डिड नॉट लेट हिम गो, मैंने उसे नहीं जाने दिया। यू लेट हिम प्ले डेली, तुम उसे प्रतिदिन खेलने देते हो। ठीक है, आई सेल लेट हिम रीड हिज बुक, मैं उसे उसकी पुस्तक पढ़ने दूंगा। किसी भी सेंटेंस में आप कर सकते हो फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में। आई कुड लेट हिम पे माई डेब्ट, मैं उसे अपने कर्ज को चुकने, ठीक है, या चुकाने दे सकता था। पे माने देना या चुकाना। तो यहाँ पर शुड के साथ यूज करो, मस्ट के साथ यूज करो, विल के साथ यूज करो, सेल के साथ यूज करो, मे के साथ यूज करो, माइट के साथ यूज करो, सारे सब उसी तरह से यूज होगा। बस जो उसमें सेंस निकलेगा सेंटेंस में फ्रेंड्स, वह सेंटेंस में ऑर्डर और परमिशन का सेंस निकलेगा। तो यह ट्रांसलेशन वाला जो पोर्शन होता है, कभी ऐसे स्पीकिंग में भी आता है, तो हमें इसमें बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति नहीं पालनी चाहिए। और बहुत सारे अभी लेट के प्रयोग अनेकों प्रकार से होते हैं, ये मैं देखिए बिल्कुल बाय एंड बाय धीरे धीरे करके क्रम वाइज मैं आपको लेट का प्रयोग बता रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस में बताया, फिर इसके बाद यह टेंसेज और मॉडल्स में बताया, ताकि यह लेट का प्रयोग आपको समझ में आ जाए। आपको लेट मिलते ही कहीं भी देखें या सेंटेंस में यूज करें, या कोई ट्रांसलेशन हो उसका, इंग्लिश टू हिंदी हो, हिंदी टू इंग्लिश हो, बनाने में कोई समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से लेट का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, अगर आप नए वॉचर हों, नए व्यूअर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।